मनुष्य ईश्वर की बनाई हुई संरचनाओं में सर्वश्रेष्ठ रचना है। और फिर ईश्वर ने मनुष्यों में सबसे महत्वपूर्ण आँखों की रचना की, जिसके कारण हम लोग दूर तक देख पाते हैं। और मनुष्यों का मस्तिष्क भी एक पेचीदा रचना है, जिसे हम मनुष्य आज तक नहीं समझ पाए हैं, लेकिन हमारी स्मृति और हमारी आँखें प्रारंभ से ही जिज्ञासा से भरी रही हैं। सभ्यता के प्रारंभ से ही मनुष्य अंतरिक्ष में चमकते तारों को दैवीय शक्ति से तुलना करता आया है। फिर प्राचीन लोगों ने सूर्य, चंद्रमा और तारों को ध्यान से पढ़ना प्रारंभ किया। मनुष्यों ने स्टार कॉन्स्टेलेशंस को नेविगेशन के तहत इस्तेमाल करना सीखा और पूर्व स्टार को उत्तर दिशा का नाम दिया। इसलिए मैं आपका दोस्त और होस्ट दीप आज आपको ये बताऊंगा कि मनुष्यों ने प्रारंभ से अब तक अपनी आँखों को किस तरह विकसित किया और हम अब तक कहाँ तक देख सके हैं। और अगर आप लोगों को डीप में जानना है कि हमारा सोलर सिस्टम कितना विशाल है और यह सोलर सिस्टम कैसे बना, तो डिस्क्रिप्शन में इन दोनों सीरीज़ के लिंक दिए हुए हैं। उन इंटरेस्टिंग वीडियोस को आप इस वीडियो के बाद ज़रूर देखें। प्राचीन समय में मनुष्यों ने रात के आसमान में चमकते हुए करोड़ों सितारों को देखकर वहां तक पहुंचने का स्वप्न देखा, पर जाए किस पर यह तय नहीं किया, इसलिए शायद आज तक हम वहां पहुंच नहीं पाए हैं। जोक्स अपार्ट गाइस। पर क्या रात में दिखने वाले तारे सभी तारे होते हैं? चलिए जानते हैं। तो पहली बार पहली शताब्दी में जन्मे ग्रीक एस्ट्रोनॉमर क्लॉडस टोलमी ने पहली बार ग्रहों की स्थिति को समझने के लिए मैथोलॉजी का सहारा नहीं लिया, मैथमेटिक्स और ऑब्जर्वेशन के आधार पर ब्रह्मांड को समझा और पहली बार जियोसेंट्रिक मॉडल का सिद्धांत दिया, जिसके अनुसार हमारी पृथ्वी एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है और सभी ब्रह्मांड के खगोलीय पिंड उसके चारों ओर चक्कर काटते हैं। उसके बाद हमारे विज्ञान की आँखों को आगे बढ़ाते हुए 14वीं शताब्दी में एस्ट्रोनॉमर एंड मैथमेटिशियन निकोलस कोपरनिकस पहले जर्मन साइंटिस्ट थे जिन्होंने हीलियोसेंट्रिज्म का सिद्धांत दिया, जिसमें ब्रह्मांड का केंद्र पृथ्वी ना होकर सूर्य को बताया और बताया कि हमारी पृथ्वी और अन्य खगोलीय पिंड सूरज के चक्कर काटते हैं। और यह सिद्धांत उन्होंने बिना किसी यंत्र के दिया था। पर यहाँ एक नई बात मैं अपने दोस्तों को बताना चाहूँगा कि निकोलस कोपरनिकस से हजारों साल पहले हमारे भारत के मैथमेटिशियन और एस्ट्रोनॉमर आर्यभट्ट ने यह सिद्धांत हमारे सामने रख दिया था। और इतना ही नहीं, आर्यभट्ट ने पाई का मूल्य का सटीक अनुमान दिया था और जीरो की खोज का श्रेय भी इन्हीं को ही है, जो मैथमेटिक्स की सर्वश्रेष्ठ खोजों में से एक है। उसी के कारण उन्होंने पृथ्वी और चंद्रमा की लगभग सटीक गणना बिना किसी यंत्र के की थी। और उन्हीं के कारण हमें यह पता चला कि सूर्य और चंद्र ग्रहण कोई राहु या केतु राक्षस के कारण नहीं, अपितु अपनी धुरी पे घूमते हुए चंद्रमा और पृथ्वी की परिक्रमा के कारण होता है। और फिर शुरू हुआ ग्रह की खोज का सिलसिला। पूर्व में मनुष्यों ने 5 ग्रह की खोज की जो बाकी तारों के भिन्न घूमते नजर आए। तो उस समय जो मनुष्य ने 5 ग्रह देखे, जिसे हम आज भी नेकेड आई से देख सकते हैं, जिसमें सबसे पहले वीनस, फिर मार्स, फिर जुपिटर प्लैनेट और फिर सैटर्न को ढूंढा। पर मरकरी की खोज थोड़ी पेचीदा रही, क्योंकि प्रारंभ में इसे अलग अलग मॉर्निंग व इवनिंग स्टार के रूप में देखा। पर अब गणनाओं के युग के बाद अब युग उपकरणों का आने वाला था, क्योंकि मनुष्यों की जिज्ञासा को उपकरण ही सुलझा सकते थे। फिर 1608 में नीदरलैंड के एक व्यापारी हैंस लिपर्शी ने प्रथम टेलीस्कोप की खोज की और यह खोज उसके बेटे से विभिन्न लेंसों से खेलते हुए हुई। फिर लिपर्शी ने बेटे के बताने पर 2 लेंसों को एक दूरी पर लगा के देखा तो सामने की गिरजाघर की दीवार को 3 गुना नज़दीक देखा। उस खोज से हम कोई भी वस्तु को
तीन गुना नज़दीक से देख सकते थे, और वो खोज आज के बायनोकुलर के रूप में है जो उस समय नाविक इस्तेमाल करने लगे। और उसी खोज को आगे बढ़ाते हुए गैलीलियो गैली ने उस टेलीस्कोप के डिज़ाइन को इम्प्रूव करते हुए एक रिफ्लेक्टेड टेलीस्कोप बनाया, जिसके कारण गैलीलियो ने पहली बार मनुष्यों की आँखों को दूर तक देखने की शक्ति प्रदान करी। गैलीलियो ने अपने टेलीस्कोप से वो दुनिया देखी जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। गैलीलियो ने टेलीस्कोप से चंद्रमा में उपस्थित क्रेटर्स, जुपिटर और उसके चार प्रमुख उपग्रह को परिक्रमा करते देखा। उन्होंने सूर्य के सोलर स्पॉट्स को भी देखा। उन्होंने यह भी बताया कि चंद्रमा एक परफेक्ट स्फीयर में नहीं है। उन्होंने डिफरेंट फेजेस ऑफ वीनस को ऑब्जर्व और एक्सप्लेन किया। अपनी खोज को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने टॉरस कॉन्स्टेलेशन यानी M45 स्टार क्लस्टर को देखा। फिर उन्होंने ग्लोइंग बैंड्स ऑफ मिल्की वे को पहली बार देखा। फिर अपने ऑब्जर्वेशंस में उन्होंने स्पीसिया, बीटा सेंटौरी, डैनेबे एंड इरेक्टस स्टार को टेलीस्कोप से देखा। उनकी ड्राइंग उनकी लिखी हुई बुक्स में आज भी देखी जा सकती है। उनके बाद हम मनुष्यों की जिज्ञासा को और शांत करते हुए गैलीलियो के रिफ्लेक्टेड टेलीस्कोप के धुंधलेपन को दूर करते हुए 1611 में जोनस केपलर ने टेलीस्कोप में कॉन्वेक्स ऑब्जेक्टिव लेंस और कॉन्वेक्स आईपीस लेंस का बदलाव किया और ग्रहों के पाथ को एक्सप्लेन किया और ये बताया कि प्लैनेट सन के अराउंड सेंट्रिक नहीं इलिप्टिकल ऑर्बिट में घूमते हैं। और ब्रह्मांड और ग्रहों के अध्ययन के लिए टेलीस्कोपिक ऑब्जर्वेटरी की आधारशिला भी उन्हीं के नियम के अनुसार रखी गई थी। फिर उनके बाद 1650 में क्रिश्चियन हाइजेंस ने टेलीस्कोप के डिज़ाइन में थोड़ा और बदलाव करते हुए कंपाउंड आईपीस लगाया और सैटर्न रिंग सिस्टम और सैटर्न के सबसे महत्वपूर्ण उपग्रह टाइटन की खोज की। और फिर आया टेलीस्कोप के युग का सबसे बड़ा क्रांति का समय, और वह समय था सर आइज़ैक न्यूटन का। उन्होंने एक अवधारणा को जन्म दिया, विभिन्न रंगों के संयोजन से नए रंग की प्राप्ति होती है, और उनकी यह थ्योरी हम न्यूटन कलर थ्योरी के नाम से जानते हैं। और इस थ्योरी को प्रूफ करने के लिए उन्होंने रिफ्लेक्टिव टेलीस्कोप का निर्माण किया, क्योंकि पहले के टेलीस्कोप में लेंसों का प्रयोग होता था, पर उन लेंसों के प्रयोग के कारण रिफ्रैक्शन यानी धुंधलापन होता था। तो फिर न्यूटन ने लेंसों की जगह कॉनकेव कॉन्वेक्स मिरर का इस्तेमाल किया और उससे धुंधलेपन की समस्या दूर हो गई। और फिर कुछ सालों के प्रोग्रेस के बाद मनुष्यों की यह आधुनिक आँखें और विकसित हुई। फिर 1774 में जर्मन एस्ट्रोनॉमर सर विलियम हर्शल ने एक नया टेलीस्कोप बनाया और 1788 में टेलीस्कोप से खोजा गया पहला ग्रह यूरेनस सातवें ग्रह के रूप में खोजा। और फिर टेलीस्कोप ऑब्जर्वेटरी के विकास के चलते और खोजें होती चली गई। 1886 में अर्बन ली वेरियर ने नेपच्यून की और 1930 में क्लाइड विलियम टॉम्बॉग ने प्लूटो की खोज आठवें और नौवें ग्रह के रूप में की। और फिर यह सिलसिला आज भी चले जा रहा है, पर मनुष्यों की जिज्ञासा ने मनुष्यों को यह सोचने पर मजबूर किया कि अगर हम अर्थ के एटमॉस्फेयर से ऊपर जाकर ब्रह्मांड को देखें तो ज़्यादा साफ दिखाई देगा। और फिर क्या था, फिर एक के बाद एक सैटेलाइट लॉन्च होते चले गए। 1970 में उहुरु फर्स्ट गामा रे टेलीस्कोप को लॉन्च किया। फिर 1990 में हबल स्पेस टेलीस्कोप को लॉन्च किया गया। 1999 में चंद्रा एक्सरे टेलीस्कोप को लॉन्च किया। फिर 2003 में स्पिट्जर स्पेस टेलीस्कोप को लॉन्च किया। 2009 में कैपलर स्पेस टेलीस्कोप को लॉन्च किया गया। और अब रिसेंटली दिसंबर 2021 में जेम्स वेब टेलीस्कोप को लॉन्च किया गया। और इन टेलीस्कोपों के लॉन्च से मनुष्यों ने यह सिद्ध कर दिया कि मनुष्यों की जिज्ञासा का कोई अंत नहीं है। आज हम इन स्पेस टेलीस्कोप के जरिए टाइम ट्रेवल करके समय में पीछे जाकर उन स्टार्स को देखते हैं जिनकी लाइट ईयर्स के बाद टाइम ट्रेवल करके हमारे तक पहुंचती हैं। अब तक हम 13.6 बिलियन लाइट ईयर्स दूर तक देख सके हैं, और यह भी संभव है कि हम एक दिन बिग बैंग के रहस्यों से भी पर्दा उठा दें।
आप क्या सोचते हैं हमारी इन आधुनिक टेलीस्कोप आँखों के बारे में? हमें नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर दें और हमें अपने लाइक से मोटिवेट करें और फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर ज़रूर करें। और अगर आपको हमारे यूनिवर्स को हमारी नज़र से समझना चाहते हैं तो डीप इनटू द यूनिवर्स चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।